हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम चैप्टर कर रहे थे नेगोशिएशन अक्रॉस कल्चर्स। इस चैप्टर पे ऑलरेडी मेरी दो वीडियो आ चुकी हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है। अगर आपको वो देखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग उसका बेस वहीं से स्टार्ट होता है कि क्या मीनिंग है, पूरा डिटेल में मैंने वहाँ पे बता रखा। तो आप IHRM चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे IHRM की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो आज हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द नेगोशिएशन अक्रॉस कल्चर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेगोशिएशन, जो कि हमारा किस चीज़ में, ये IHRM में है। सो एक बार मीनिंग देख लेते हैं कि नेगोशिएशन क्या होता है। नेगोशिएशन क्या है, जब भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसके कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के प्रोसेस को हम नेगोशिएशन बोलते हैं। यानी उसका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन बोलते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग डिटेल में जानना है तो आप इसके जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सो अब हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द नेगोशिएशन अक्रॉस कल्चर्स, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी नेगोशिएशन को। तब भी हम नेगोशिएशन करेंगे तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमारी नेगोशिएशन को सक्सेस और फेलियर होने में हमारी जो है अफेक्ट करेंगे। वो पॉजिटिव अफेक्ट भी कर सकते हैं और वो नेगेटिव अफेक्ट भी कर सकते हैं। सो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफाइबल पार्टीज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। यानी सबसे पहले वो लोग या फिर वो ग्रुप को ढूंढना पड़ेगा जो कि विलिंग है एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करने में, एक दूसरे के साथ बैठने में, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करने में। अब मान लो कोई भी डिस्प्यूट हो गया और हमें पार्टी का पता ही नहीं कि कौन सी पार्टी है, वो कहाँ पे, हमें पार्टी ही नहीं मिल रही, तो हम किसके बीच में जो है नेगोशिएशन करवाएंगे, किसको एक दूसरे के साथ बैठाएंगे, क्या बात हम करवाएंगे, वहाँ पे नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। अगर हमें पार्टीज मिल जाती हैं, ठीक है, तो ये फैक्टर हमारे फेवर में होगा क्योंकि हम वहाँ पे नेगोशिएशन कर सकते हैं। एंड अगर हमें नहीं मिलती, पार्टीज ही नहीं मिलती, तो वहाँ पे जो है नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है, वो एडवर्स इफेक्ट करेगा हमारे नेगोशिएशन को। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट आता है इंटरडिपेंडेंस। ये जो फर्स्ट वाले पॉइंट है, ये सेकेंड वाला पॉइंट है, ये हम इसके एलिमेंट्स में भी स्टडी कर चुके हैं। इंटरडिपेंडेंस यानी दो पार्टीज हैं, उनका आपस में इंटरेस्ट होना चाहिए, एक दूसरे की नीड होनी चाहिए कि वो नेगोशिएट क्यों करें, कोई ना कोई वजह होगी तभी वो नेगोशिएट करेंगे। अब हम रोड पे जा रहे हैं, इसमें मैंने एग्जांपल दिया, हमारी किसी से लड़ाई भी हो जाती है तो हम उससे नेगोशिएट करने थोड़ी जाएंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी, जहाँ पे ज़रूरत होगी, एक दूसरे में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो वहीं पे हम नेगोशिएट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो वही बात इसमें कही है कि जो भी पार्टीज हैं उनका आपस में नीड होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हूँ। अगर वो जो है इंटरडिपेंडेंस नहीं होगी तो वहाँ पे नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड है हमारा रेडीनेस टू नेगोशिएट। अगर पार्टी भी है, इंटरडिपेंडेंस भी है, बट अगर वो नेगोशिएट करना ही नहीं चाह रही, मतलब मेंटली तैयार ही नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर वो विलिंग ही नहीं है, तो वहाँ पे भी जो है नेगोशिएट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस और लीवरेज। इसके अंदर क्या है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो क्या हैं, क्या चीज़ उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, मतलब किस वजह से वो डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं, किस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कि अगर मैं इस जो भी हमारी जो भी कन्फ्लिक्ट हुए, अगर मैं इसमें जीत जाता तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली उसको क्या बेनिफिट मिल रहा, कि क्या चीज़ कि वो डिस्प्यूट कर रहे हैं उसको क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, क्या चीज़ के लिए वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ की भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है एग्रीमेंट ऑन सम इश्यूज एंड इंटरेस्ट। कि जो भी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं किसी भी बात पे, तो वो बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज एंड इंटरेस्ट होने चाहिए, उसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, उनकी पर्सनल ईगो एंड ऑल ये सब कुछ हम डिस्कस नहीं कर सकते। लाइक किसी की पर्सनली कुछ लड़ाई है तो वो हम बिजनेस में थोड़ी लेके आएंगे। बिजनेस अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो आप बिजनेस की बात ही करोगे, तो वो एग्रीमेंट जो भी है, जो भी हम वहाँ पे इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा विल टू सेटल, यानी क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन कर लिया हमने फिफ्थ पॉइंट में, एग्रीमेंट भी कर लिया, बट फिर भी उनकी जो है विल नहीं है सेटल होने में। अगर वो एक बार सेटल हो भी गई, ठीक है, तो वो फिर से लड़ने लग जाएंगे, उनके अंदर विल होनी चाहिए सेटलमेंट, तभी नेगोशिएट पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ पॉइंट है अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ आउटकम।
अगर आप नेगोशिएट नहीं करते हो तो वन साइड विक्टरी हो जाती है, मतलब एक साइड अगर आप जो है आपने बात रखी है अपनी पर आप नेगोशिएशन करने ही नहीं गए तो दूसरी पार्टी ऐसे ही जीत जाएगी, उसको लड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, उसको अपने जो है खुद को क्लैरिफाई करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, वो वैसे ही जीत जाएगी। सो ये चीज़ भी मैटर करती है कि लोग एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो आउटकम अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ पे कि वो लोग नेगोशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट आता है, अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड डेडलाइन। कई बार क्या होता है कि एक पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है कि वो नेगोशिएट करे, बट जो दूसरी पार्टी है वो तैयार नहीं होती क्योंकि वो चीज़ उसके लिए इतनी अर्जेंट नहीं होती, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मीटिंग डिले हो रही है तो होने दो, क्योंकि उस जो भी वो मैटर है उसको उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है या फिर उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि ये चीज़ डिले ना हो कि एक पार्टी को फ़र्क पड़ रहा है दूसरी को ना पड़े, सो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे इसे टाइम बाउंड कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नो मेजर्स साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल टू सेटलमेंट। इसके अंदर क्या है कि कई बार क्या होता है आपकी जो फीलिंग्स है वो दूसरी पार्टी के लिए वो आप एक्सप्रेस कर देते हो, आपके बिहेवियर से उनको पता चल जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो क्या है सेटलमेंट करने ही नहीं आते। यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट, इश्यूज मस्ट बी नेगोशिएबल, कि ऐसी इश्यूज होनी चाहिए जो कि नेगोशिएबल किया जा सके, मतलब जिन पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए, उनकी कुछ ना कुछ आउटकम निकलनी चाहिए, उनका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, ना कि उसकी वजह से सिर्फ लड़ाई हो रही हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो है अगर उस बात को लेकर सिर्फ लड़ाई हो रही है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, उसकी कोई आउटपुट ही नहीं है, तो वहाँ पे वो नेगोशिएट जो हम करेंगे वहाँ पे वो किसी भी काम का नहीं होगा, तो वहाँ पे जो है नेगोशिएबल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है, द पीपल मस्ट हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड। इसके अंदर क्या है कि नेगोशिएशन में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी हो डिसीजन लेने की, लाइक दो पार्टी है जिनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि जिसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, जो उन दोनों की हेल्प करेगा अब जो भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, एंड ऑन द स्पॉट वो पार्टी के बीच में जो है बात करवा के कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ले। नेक्स्ट हमारा 12th पॉइंट है, विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज़, कि दोनों पार्टी की विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज़ भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि दोनों को ये हो कि मेरी तो बिल्कुल 100% बात मानी जाए, दूसरा भी ये सोच रहा है मेरी भी बिल्कुल 100% बात मानी जाए, 50% कॉम्प्रोमाइज़ वो कर ले 50% वो कर ले, तो इससे क्या हो सकता है कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है, दोनों जो है खुश। ये नहीं है कि भाई मैंने तो पूरा जो मेरी डिमांड है वो 100% ही फुलफिल होनी चाहिए, कहीं ना कहीं दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि एक की 80% बात मान ली जाए, एक की 20% मान ली जाए, ठीक है, वो तो जो भी उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा 13th पॉइंट, द एग्रीमेंट मस्ट बी रैशनल एंड बी इम्प्लीमेंटेड। ऐसा नेगोशिएशन हो जहाँ रैशनल डिसीजन हो, इरेशनल ना हो, मतलब जहाँ पे सोच समझ कर डिसीजन लिया जाए उसको हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सके, ना कि कोई ऐसे ही मतलब जिसका कोई तुक्की नहीं बन रहा, ठीक है, जिसका कोई भी आप मान लो जो वैलिड ही नहीं है, हम ऐसा कोई डिसीजन ले तो उसका क्या फ़ायदा। आप बिजनेस में काम कर रहे हो तो बिजनेस में ऐसी चीज़ें नहीं हो चलेंगी। नेक्स्ट हमारा 14th पॉइंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स फेवरेबल टू सेटलमेंट, कि जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फेवरेबल होते हैं, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है या फिर कोई गाइड करने वाला है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करेगी। अगर फेवरेबल होंगे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर तो हमारी जो है नेगोशिएबल पॉसिबल है, अगर अनफेवरेबल है तो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारा 15 है, रिसोर्सेज टू नेगोशिएट। रिसोर्सेज में हमारे स्किल्स बार्गेनिंग के लिए पावर है कि नहीं है, टाइम है, मनी है, तो ये सारी चीज़ें जो ये सब कुछ क्या है अफेक्ट करेगा हमारी नेगोशिएशन को। सो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेगोशिएशन, कि नेगोशिएशन इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो जो नेगोशिएशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, हमारी बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं
इम्प्लॉय इम्प्लॉय की आपस में लड़ाई हो रही है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर इम्प्लॉयर इम्प्लॉय के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, यूनियन के बीच में, तो इससे क्या होगा कि वो काम तो अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, उनके बीच में लड़ाई ही होगी। हाँ, तो हम उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, उसको जो है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। गुड नेगोशिएशन अगर होती है हमारे बिजनेस में तो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस को सक्सेस मिलेगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी कंट्रीब्यूट करती है बिजनेस सक्सेस में। इससे क्या होगा, बेटर रिलेशन बनेंगे, जो भी हमारे इम्प्लॉयज़ है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, सबके बीच में बेटर रिलेशन होगी अगर नेगोशिएशन होगी तो। सो नेगोशिएशन का मेन जो एम क्या होता है कि सबके बीच में कोई भी काम हो रहा तो वो एक एग्रीमेंट के साथ हो, उनके बीच में अच्छे रिलेशंस हो जिससे सबको म्यूचुअल बेनिफिट्स मिले। ये नहीं कि एक का फ़ायदा हो रहा बेचारा, दूसरा जो लॉसेस में जा रहा है, ठीक है, तो एक को वही चीज़ कोई डिसीजन हार्म कर रहा है, एक को नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, अभी तो हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जरूरी है, दूसरा अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ये यहाँ पे क्यों इतनी ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग नेशन से अलग अलग कल्चर के साथ लोग हमारी कंपनीज़ में आते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं वो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग कर रहे हैं वो पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका कल्चर डिफरेंट होगा, उनका अलग होगा, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो है अच्छे रिलेशन्स नहीं बन पाएंगे इतने, क्योंकि वो एक दूसरे को इतना नहीं समझ पाएंगे, तो उसके लिए जो है नेगोशिएशन इम्पोर्टेंट है। सो ये थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ नेगोशिएशन, एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव अ गुड डे।